2023 तक तराई वाली जिला घोषित तो करना है चुनावी। मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। सरकार जो है अड़ंगा लगाता है। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी संदेश। आज मेरे साथ फ्रेम में मौजूद हैं आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक किस्मत लाल नंद जी। पुलिस विभाग में डीएसपी के पद को छोड़कर राजनीति में उतरे हैं विधायक जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। कुल 56 एनकाउंटर में शामिल रहे हैं विधायक जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। विधायक जी से बातचीत का दौर शुरू करते हुए सबसे पहला मेरा सवाल है, एक छोटे से गांव में रहकर आपने पढ़ाई पूरी की है और विधायकी का चुनाव लड़ा सर आपने, क्या कुछ संघर्ष रहा, क्या कुछ चुनौती रही आपकी? नमस्कार, मैं किस्मत लाल नंद, विधानसभा क्षेत्र सरायपाली। निश्चित रूप से मैं जिस गांव का रहने वाला हूं वो एक बहुत छोटा सा गांव है और वहां से प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करके फिर मैं भौरपुर में हाई स्कूल की पढ़ाई। सरायपाली में एक महाविद्यालय तो खुल गया था, फुलझर महाविद्यालय, उसके बावजूद भी कुछ लोगों की प्रेरणा मुझको मिली और फिर मैं रायपुर दुर्गा महाविद्यालय में पढ़ाई किया। उसके बाद छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से LLB किया, फिर मैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बना पहले, उसमें 4 साल रहने के बाद फिर मैं सब इंस्पेक्टर में मेरा 89-90 में चयन हुआ और पुलिस में रहकर वास्तव में 55-56 इनकाउंटर मैंने किया, जिसमें मुझको भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा गैलेंटी अवार्डेड भी दिया गया और सर्विस में रहकर के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन लिया। 2017 में मैं DSP बना और 2018 में कांग्रेस पार्टी ने मुझको सरायपाली से विधानसभा का टिकट दिया और 53,000 मतों से मैं जीत हासिल किया। सर, DSP के पद पर तो आप थे पहले से ही, तो फिर आपने राजनीति में आना क्यों चुना? आप तो पहले भी सेवा कर रहे थे जनता की, फिर राजनीति में क्यों उतरे? देखिए, चाहे वो चपरासी से लेकर के IAS क्यों ना हो जी। सर्विस में रहा कि कोई भी आदमी जनता से सीधा नहीं जुड़ सकता और वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप वो लीडरशिप रख करके काम नहीं कर सकता और वैसे भी शासकीय कर्मचारी को शासन की मंशा के अनुरूप ही काम करना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए मैंने सर्विस छोड़ी, क्योंकि सर्विस में रहकर हम एक लीडरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि शासन की मंशा के अनुरूप काम करना होता है। इसलिए मैंने सर्विस छोड़ा और जनता से जुड़ करके आज मैं एक लीडरशिप कर रहा हूँ और उनकी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहा हूँ। सर, मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल और है, तो जनता से आप काफ़ी करीब हैं इस समय? हाँ, जनता से मैं बिल्कुल जुड़ कर हूँ, काफ़ी करीब। यहाँ का मेन मुद्दा, सरायपाली जिला के आप विधायक हैं, यहाँ का मेन मुद्दा है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है, यहाँ के 3 मुद्दे हैं, फिर भी यहाँ के लोगों को दूसरे शहर दूसरे क्षेत्र जाना पड़ता है, आखिर इसकी क्या वजह है? आपने क्या ऐसा कदम नहीं उठाया जो कि दूसरे शहरों को जाना पड़ता है? चूँकि सरायपाली जो है छत्तीसगढ़ का दूरस्थ अंचल का विधानसभा क्षेत्र है, उड़ीसा से बॉर्डर से लगा हुआ है और आप सही बोल रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग बरगढ़ और रायपुर जाते हैं, बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि अभी तो क्यों स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है सर यहाँ की? आपने क्या अभी कुछ कदम नहीं उठाया यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, हाट बाजार क्लिनिक योजना। जी सर। जो सरायपाली में 17 जगह में हाट बाजार क्लिनिक योजना की शुरुआत कर दी गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो धनवंतरी योजना के तहत एक जेनेटिक मेडिकल स्टोर भी खोला गया है, जिसमें लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी बेहतर काम कांग्रेस सरकार ने किया है। तो इतना समय, मतलब क्यों लोगों को दूसरे शहर जाना पड़ता है, ये इतना धीरे काम क्यों हो रहा है सरकार को? तो इस पे तुरंत, आपकी सरकार है तो आप तो तुरंत सारी व्यवस्थाएं करवा सकते हैं।
डॉक्टरों की मैडम एक मेन समस्या है कि डॉक्टर MBBS MD MS करने के बाद जो है वो ग्रामीण अंचल स्तर पे वो काम नहीं करना चाहते। अच्छा। सभी डॉक्टर चाहते हैं कि हम जिला स्तर पे रह करके वहाँ सर्विस करें या प्रैक्टिस करें। एक मेन वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे आए और वो ट्रांसफ़र करा के चले जाते हैं। तो जिला स्तर पे काम करना चाहते हैं यहाँ के डॉक्टर, जैसा आपने कहा। तो इसी से मेरा एक और जुड़ा सवाल है कि यहाँ के लोगों की मांग है सर कि वो इस सरायपाली को ज़िला बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या कदम उठाया सर? माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी 2-3 बार बात हो चुकी है जी, और वैसे मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव के आते आते तक 2023 तक सरायपाली जिला घोषित हो। तो ये चुनाव जीतने की एक ये पहली भूमिका है कि इसी से ये हथकंडा है चुनाव जीतने के लिए? नहीं नहीं, चुनाव जीतने के लिए हथकंडा नहीं है, वास्तव में ये कि ये लोगों को लुभाने के लिए एक सबसे बड़ा अहम उनका उनके पक्ष में काम किया जाएगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है जी। ये वास्तव में क्या है कि राजधानी से करीबन 165 किलोमीटर दूरी पे है जी। और सरायपाली अगर एक जिला बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और विकास की कई संभावनाएं तैयार होगी, इसलिए इसको जिला बनाया जाएगा जी सर। और सर आपकी रुचि किन किन चीज़ों में है? मेरी रुचि है खेल में है, संगीत में है, व्यायाम में है। अच्छा, व्यायाम वगैरह आप करते हैं? मैं खुद 2 घंटा व्यायाम करता हूँ। अच्छा, सुबह और शाम की? सिर्फ सुबह करता हूँ। आपको समय इतना मिल जाता है? मैं उसके लिए अपने शरीर के लिए हाँ। कम से कम 1.5 घंटे का समय रोज निकालता हूँ। बहुत सुंदर सर। तो आपने कहा कि आपकी रुचि संगीत में है, तो कुछ 2-4 लाइन जो है अगर आप हमको सुना सके? नहीं, वो तुरंत अभी याद। एक्चुअल में क्या है कि मैं जो प्लेइंग करता है ना, जैसे वायलिन है, हारमोनियम, हाँ, हाँ, गिटार, कुछ गीत अगर गुनगुना सके छत्तीसगढ़ी गीत में, जैसे अरपा पैरी के धारिया, फिर कुछ भी है हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, गाना नहीं आता मेरे को। सरायपाली को जिले के अलावा रेल की सुविधा की यहाँ के लोग भी चाहते हैं। सरायपाली में अगर रायपुर से, ये बहुत काफ़ी पुरानी मांग है हाँ। लेकिन ये क्या अब है तक पूरी नहीं हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो क्या वजह है सर इसके पीछे? अब वो चूंकि केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये केंद्र का मामला सरकार है। सरकार तो केंद्र का मामला है, लेकिन सरकार है यहाँ पे आपकी सर। अब हर चीज में कांग्रेस सरकार शासित राज्य जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे केंद्र जो है अड़ंगा लगाता है। अच्छा। तो उसकी भी हम मांग करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे रेलवे लाइन होगा तो यहाँ पे कई उद्योग धंधे खुलेंगे, और ये अगर उड़ीसा से जुड़ जाए तो निश्चित रूप से यहाँ उद्योग धंधे भी खुलेंगे, क्योंकि अभी तक सरायपाली में राइस मिल के अलावा कोई उद्योग धंधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, 15 साल थी BJP की सरकार सर, अब आप लोगों को लाया है जनता ने, क्या कुछ उनकी योजनाओं, मतलब क्या कुछ उनकी भावनाओं पे आप खरा उतर पाए हैं? देखिए, आपको लगता है 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कों की अगर मैं बात करूँ तो सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अभी हमने ऐसा ऐसा जगह में सड़क बनवाया है। मैं भी आई हूँ सर अभी। हाँ, तो वो अभी बहुत अच्छे सड़क बन रहे हैं यहाँ पे, लगभग 350 करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे सड़कें स्वीकृत की गई है और बहुत सारी सड़कें तो बन के तैयार हो गए हैं। तो इसमें हम जनता की उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है आपकी दोबारा सरकार बनेगी, जनता आपको दोबारा मौका देगी? हाँ, आपको लगता है अभी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है जी, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो 2023 के लिए तो नहीं प्रिपरेशन हो रही है सर? हाँ, 2023 की प्रिपरेशन सभी विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो गया है जी, जी, जी। और इसमें चाहे वो किसानों को ले लें, चाहे वो राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना को लें, तो जिसके पास कोई भी जमीन नहीं है उसको भी 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। और ये निश्चित रूप से 2023 मिशन की तैयारी है। 2023 की अब लोगों की जीत की तैयारी पक्की है सर? पक्की है। क्या है कि आपने यहाँ कोचिंग सेंटर खुलाई है, ये आपकी अपनी तरफ से बच्चों को एक सुविधा आपने दी है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? मैडम, मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा आपको कि मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है जी सर। और गरीबी की वजह से कई ऐसे प्रतिभावान छात्र हैं जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठ पाते। उसके लिए मैंने सरायपाली के रामचंडी कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से एक PSC कोचिंग सेंटर खोला हूँ स्वयं के, जिसमें करीब 400 बच्चे पढ़ अभी उसमें अध्ययन कर रहे हैं, और करीब 5 बच्चों का अभी रेलवे सिलेक्शन के लिए अभी वो मेन एग्ज़ाम देने दिल्ली गए हुए हैं।
इस प्रकार से यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो उस कॉलेज में एडमिशन लेकर के पीएससी कोचिंग कर सकें, उसके लिए मैंने ये प्रयास किया। सर, आपने कहा कि गरीबी को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या मतलब आपको क्या समस्याएं आपके अध्ययन में आई थी? समस्याओं में मैडम, एक तो मैं बहुत गरीब घराने का हूँ और जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया था तो वहाँ हम लोग अच्छी किताबें नहीं खरीद पाता था। इतना पैसा नहीं था। जब हम किताब दुकान में जाते थे तो हम लोग सेकंड हैंड की खरीदते थे और लाइब्रेरी में जा कर के, वाचनालय में जा कर हम लोग अध्ययन करते थे और अपनी योग्यता से मैं इस मुकाम तक पहुँचा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।